नमस्कार, पंजाब के सीटीवी देख रहे हैं आप और तस्वीरें आपको हम शिमला के रिज मैदान से साझा कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, मौसम सुहाना बना हुआ है राजधानी शिमला में। कभी बारिश तो कभी धूप यहां पर खिल रही है। ये आप देख सकते हैं, आसमान में बादल भी हैं और नीला आसमान भी नज़र आएगा। यानी हर मौसम आपको जो है वो शिमला में इन दिनों मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से आज को लेकर येलो अलर्ट है बारिश का। और ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए रिज मैदान की तस्वीरें। और पर्यटक भी काफ़ी संख्या में आज पहुँचे हैं। छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन और मौसम सुहाना है, तो इस मौसम का आनंद उठाने के लिए काफ़ी तादाद में जो पर्यटक हैं वो दूसरे राज्यों से पहुँचे हैं। और स्थानीय लोग भी मौसम का पूरा आनंद उठाते हुए आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। ये देखिए तस्वीरें, रिज मैदान की ये तस्वीरें हैं और काफ़ी संख्या में पर्यटक इस मौसम का यहाँ पर आनंद उठा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज मौसम इसी तरह का रहना था, येलो अलर्ट था मौसम का। कुछ इलाकों में बारिश और कुछ इलाकों में मौसम जो है वो साफ रहने का अनुमान लगाया गया था। ये देखिए तस्वीरें, हालांकि दो दिन अब थोड़ी राहत रहेगी, लेकिन 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक फिर से थोड़ा मौसम ख़राब है। येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से फिर से जारी किया गया है, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि मौसम सुहाना बना हुआ है। ये देखिए रिज मैदान का ये देख सकते हैं आप मौसम रिज मैदान का। और पर्यटक देख सकते हैं आप काफ़ी तादाद में आज आपको नज़र आएंगे रविवार के दिन, छुट्टी के दिन। यहाँ पर इस मौसम का आनंद उठाते हुए ये देखिए, देख रहे हैं आप तस्वीरें, ये देखिए। देखिए देख सकते हैं आप किस तादाद में पर्यटक आज यहाँ पर हैं। मौसम सुहाना बना हुआ, अब धीरे धीरे जो गर्मी है वो बढ़नी शुरू हो गई है। ऐसे में पहाड़ों का रुख करते हैं पर्यटक, क्योंकि पहाड़ों में मौसम बिल्कुल सुहाना बना हुआ है, जैसे आप देख भी रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, सुहाने मौसम की ये तस्वीरें। देख रहे हैं आप किस तरह का मौसम बना हुआ है। बीच बीच में धूप निकल आती है, बीच बीच में हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, तो मौसम बेहद सुहाना है। काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे भी हैं इस मौसम का आनंद उठाने के लिए। ये देखिए घुड़सवारी का यहाँ पर ये आनंद उठा रहे हैं। धरोट सोलन में देखिए बारिश हो रही है, उमेश वर्मा जी कह रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस्म का मौसम बना हुआ है। रिज मैदान का ये मौसम आप देख सकते हैं, बेहद सुहाना ये मौसम है और इस मौसम का आनंद उठाते हुए आपको लोग यहाँ पर नजर आएंगे। Thank you.
ये देखिए हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक आज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है कुछ इलाकों में, जिसके बाद से हल्की हल्की बारिश कुछ जगहों पर हो रही है। और रिज मैदान में फिलहाल ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, इस तरह का मौसम बना हुआ है। काफ़ी संख्या में पर्यटक पहुँचे हैं इस मौसम का आनंद उठाने के लिए, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख भी रहे होंगे। काफ़ी चहल पहल आप देख सकते हैं कि आज रेस मैदान में है। देखिए बेहद सुहाना मौसम बना हुआ है और इस मौसम का आनंद भी लोग उठाते हुए नजर आएंगे आपको। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए बादल आपको नजर आएंगे आसमान में, ये देखिए। देखिए हमीरपुर में भी बादल हैं, चहल चौक में धूप खिली है। हमारे दर्शक लगातार जानकारी हमें दे रहे हैं, शहनशाह कह रहे हैं कि बादल है हमीरपुर में, और गायत्री जी चहल चौक की अपडेट दे रही हैं, चहल चौक में भी इस वक्त जो है वो धूप खिली है। मौसम अलग अलग तरह का हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, कुछ इलाकों में धूप है तो कुछ इलाकों में हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। राजधानी शिमला का तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं, राजधानी शिमला में इस तरह का मौसम बना हुआ है, सुहाना मौसम है। और पर्यटक आप देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में है राजधानी शिमला पहुंचे हैं इस सुहाने मौसम का आनंद उठाने के लिए, क्योंकि इन दिनों जो मैदानी इलाके रहते हैं वहां पर धीरे धीरे अब गर्मी बढ़नी शुरू हो गई है और पहाड़ों में मौसम बिल्कुल विपरीत है। दो दिन से मौसम का मिजाज बदला है, उसके बाद से थोड़ी ठंड जो है वो फिर से लौटी है, यानी गर्मी से बिल्कुल राहत है, गर्मी का एहसास आपको नहीं होगा अगर आप पहाड़ों में हैं। और यही वजह है कि आज रविवार के दिन भी काफ़ी चहल पहल आपको यहाँ पर नज़र आएगी और ज़्यादातर पर्यटक जो है ये रिज मैदान में आपको घूमते हुए नज़र आएंगे। ये देखिए और ये देखिए कैसे काले घने बादल आसमान में हैं और कुछ पोर्शन जो है वो नीले आसमान का भी है। तो मौसम बहुत सुहाना है, अलग अलग तरह का मौसम है, कभी धूप है कभी छांव है तो कभी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से आज को लेकर येलो अलर्ट है, हालांकि अगले जो दो दिन है उसमें थोड़ी राहत रहेगी, धूप खिलेगी बारिश नहीं होगी। और उसके बाद 3 अप्रैल से 6-7 अप्रैल तक, यानी 4-5 दिन जो है वो फिर से मौसम थोड़ा ख़राब रहेगा, येलो अलर्ट है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है लेकिन फिर भी जो है हल्का ख़राब मौसम रहेगा, बारिश की संभावना, हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। और फिलहाल आज की ये तस्वीरें आपको हम साझा कर रहे हैं। पिछले दो दिन भी मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, भारी बारिश जो है कुछ इलाकों में बताई गई थी और कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई भी,
लेकिन अब जो है वो मौसम बेहद सुहाना बना हुआ है। हरीज मैदान का ये नज़ारा आपके सामने। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, शिमला के रिज मैदान की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, खूबसूरत तस्वीरें, और काफ़ी संख्या में पर्यटकों से गुलजार हुआ है राजधानी शिमला। मौसम बेहद सुहाना बना हुआ है, इस मौसम का आनंद भी लोग उठाते हुए आपको नज़र आएंगे। काफ़ी संख्या में पर्यटक पहुँचे हैं बाहरी राज्यों से, खासतौर पर मैदानी राज्यों से, इस मौसम का आनंद उठाने के लिए। ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, ये देखिए। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे पूरा एंजॉय इस वेदर को कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आपको शिमला की इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं, ताज़ा तीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ। देखिए मैं लाइव बंद करने वाला था, लेकिन हल्की हल्की देखिए आपको बूंदाबांदी भी दिखा देते हैं, बूंदाबांदी शुरू होगी। तो ये मौसम है रेज मैदान का, ये देखिए हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी पड़नी शुरू होगी। अभी धूप लगी थी और बीच बीच में हल्की हल्की बारिश की बूंदें जो है यहाँ पर वो छा रहे हैं, जिसको कह सकते हैं आप, वो शुरू होगी। और ये देखिए छाते खोल गए। तो इस तरह का खूबसूरत ये मौसम रिज मैदान का बना हुआ है, पहाड़ों का बना हुआ है। कभी बारिश हो रही है तो कभी धूप निकल आती है। तो फिलहाल आपको अब इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं, ताज़ा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।